नाम है लेस कस्बा लेस, और अरेंजमेंट किया हुआ होटल है, खाना शाना देते हैं, यहाँ पे बेड हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप रुक भी सकते हैं। और इसकी जो ब्यूटी ये है कि ये इतने इतने बड़े ऊंचे पहाड़ हैं। ये देखें, ये एक बड़ा एक नया स्टाइल नया इन्होंने मुझे बना के दिया ये, जिस तरह से यहाँ पे सहारा डेजर्ट के अंदर लेते हैं। ओके, ये भी आप हमें बना के दिखा रहे हैं कि ये किस तरह से इसको, ये मैं इधर से आता हूँ, यहाँ से सही नज़र आएगा। ओके, ये देखें, ये मोरक्को को यहाँ पे आबाद किया, फिर वो जो मोरक्कन जो यहाँ पे वो उनके साथ जो पुराने दौर में काफ़िले आया करते थे, उन काफ़िलों के साथ वो यहाँ पे वो हमने वो कवर किया, आप वो भी वीडियो देखें तो उसके अंदर सारा उन्होंने दिखाया कि किस तरह से वो ज्यूइश। और प्लीज़ लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियोस प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन। ये बड़ा ट्रेडिशनल किस्म का आज हम नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पर, और जो इसकी सबसे ज़बरदस्त किस्म की चीज़ लगी है वो है ये देखें, मिट्टी में, मिट्टी के बर्तन में उन्होंने बनाया एग, ये देखें कितना ज़बरदस्त है, और ऑलिव ऑयल डाल के, और इसको इसके नीचे वेजिटेबल टमाटर्स ऑनियंस वो नीचे हैं इसके, इसके ऊपर एग है, और इसको इसी तरह से इन्होंने पूरा बना के तो इसको ओवन में या जो इनके पास अपनी चीज़ें हैं उसके अंदर रखा है। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग यहाँ पे रुके हैं रास्ते में, उधर से मराकश से निकल के, तो हम काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे गए थे, और बीच में एटलस स्टूडियो रुके, और अब हम यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी वैली है, यहाँ पे हम लोगों ने नाइट स्टे किया था, और सुबह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता जो है वो यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट किया। और सबसे जो बेहतरीन चीज़ थी नाश्ते की वो ये थी कि ये सारा इन्होंने ना मिट्टी के बर्तनों के अंदर बनाया हुआ था, और आपको पता है मिट्टी के बर्तन तो वैसे ही बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं, और आजकल पाकिस्तान में, इंडिया में, बाकी भी सारी जगहों पर यह ट्रेंड हो रहा है कि लोग जो है वो मिट्टी के बर्तन यूज़ करते हैं। तो आपको ये वैली दिखाते हैं, बड़ी खूबसूरत वैली है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो लेट्स हैव अ लुक। ज़बरदस्त किस्म के पहाड़ों के अंदर ही वैली बनी हुई है। हम लोग ट्रैवल करके रात को थोड़ा सा लेट यहाँ पे पहुँचे थे, और लेकिन उस वक्त इतना नज़र नहीं आया, पता नहीं चला, लेकिन जब सुबह देखा यहाँ पे उठ के नाश्ते के बाद, तो इट इज़ सो ब्यूटीफुल। मैं शेड में आता हूँ, फिर आपको यहाँ से ये देखें हम नज़र आएगी है। ये देखेंगे ऐसे जैसे मंकीज़ की हैंड्स हों, उनकी फिंगर, अगर मैं थोड़ा सा आपको क्लोज़अप करके दिखाऊं तो ये मंकी माउंटेन्स तरह की जो है ना, ये देखें इसको कहते हैं यहाँ पे वैली में, आप अगर देखें इनको गौर से, ये देखें तो ये ऐसे रहते हैं जैसे मंकी की फिंगर्स हैं। बहुत खूबसूरत बना हुआ है, इसके साथ साथ नीचे यहाँ पे रिवर है, इस जगह पे ये रिवर क्रॉस होता है यहाँ पे सारा थ्रू आउट, और इसके साथ साथ आगे रोड है, ये देखें इट इज़ ब्यूटीफुल, बहुत ज़बरदस्त वैली है। तो बस यहाँ से आगे का सफ़र हम शुरू करेंगे, यहाँ पे घर देखें कितने ज़बरदस्त बने हुए मिट्टी के।
अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत ब्यूटीफुल चश्मा है और बड़े माउंटेन्स है, बड़ी खूबसूरत यहाँ पर। और इसका नाम है कस्बा लेस। और इस जगह का नाम डिफ़िकल्ट सा है, मैं यहाँ पे शो कर दूँगा, गर्गेंचस डेस गर्जेस समथिंग लाइक दिस, कांट रियली प्रोनाउंस इट करेक्टली, लेकिन कस्बा लेस कहलाता है ये। और ये बड़ी खूबसूरत जगह है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। और अगर आप यहाँ पे मोरक्को आएँ तो आपको इस वाली साइड पे आके इस जगह को ज़रूर विज़िट करना चाहिए। अगर आप सहारा डेजर्ट वाली साइड पे आए हैं और आप वहाँ पे जा रहे हैं उस तरफ, या उस तरफ आपने स्टे किया है, तो ये जगह जो है ये वर्थ है कि आप यहाँ पे आएँ और इसको विज़िट करें। इट विल बी लाइक प्रोबेबली 3 hours 50 minutes ड्राइव फ्रॉम देयर, जहाँ पे जो डेजर्ट का वो है। और ये देखें कि कितनी खूबसूरत जगह है। अभी ये दूसरी वीडियो में प्रॉपर आपको जो है वो इसका व्यू करवाते हैं, तो लेकिन सिर्फ इसको आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की खूबसूरत जगह है। इतनी बड़ी माउंटेन्स हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं मेरे बैग के ऊपर भी। और यहाँ पे ये देखिए, ये बड़े खूबसूरत से यहाँ पे पीछे होटल्स हैं छोटे छोटे, जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं इफ़ यू लाइक। अब यहाँ पे इन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया हुआ होटल है, खाना शाना देते हैं यहाँ पे, बेड हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप रुक भी सकते हैं। और इसकी जो ब्यूटी ये है कि ये इतने इतने बड़े ऊंचे पहाड़ हैं और बहुत नैरो स्पेस है ये जो है, ये इतना वाइड नहीं है। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि ये बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो ये क्योंकि बहुत नैरो है इसलिए ये आपको बहुत खूबसूरत लगता है। इट इज़ सो प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल। और जो यहाँ पर ये जो पेबल्स हैं, और इन पेबल्स के अंदर ये देखें जो पानी यहाँ पे चश्मा जा रहा है, बड़ा खूबसूरत चश्मा, और इतना इसका पानी की जो आवाज़ है इतनी खूबसूरत है कि आपका जो है वो दिल करता है कि आप इधर बैठें और बैठ के ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे स्पेंड करें, टाइम इसकी फ़ील लें। और हम लोग जल्दी निकल आए थे, और जल्दी आने का फ़ायदा ये है यहाँ पे रश नहीं होता। फिर देखें भी यहाँ पे कोई भी नहीं है, बस हम लोग हैं और एक आधी और फैमिलीज हैं यहाँ पर जो आई हुई हैं। उसके अलावा ये अर्ली आएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इस टाइम के ऊपर, कि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, अकेले बैठ सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, यू विल टेक ए फील ऑफ इट। और बड़ा खूबसूरत, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जगह है, यू विल लाइक इट अ लॉट, आई एम 100% श्योर दैट यू विल लाइक इट। तो ये जो जगह है ना, ये वर्थ वॉचिंग है। ये देखें, तो किसी भी साइड से हम इसको देख लेना, दिस इज़ सो प्रिटी, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। सो अब मैं आपको ना इसको पूरा, इसका जो यहाँ का सारा स्ट्रक्चर है वो आपको मैं दिखाता हूँ। अल्लाह मियाँ की कुदरत है, देखें कि कितनी अल्लाह पाक ने, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिहि सुबहानल्लाहि अज़ीम, और कितनी ज़बरदस्त किस्म की जो अल्लाह पाक ने ये जगह बनाई हैं। और अगर हम इस चीज़ को जहन में रख के अल्लाह मियाँ की जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, कि जैसे अल्लाह पाक ने कहा है कि अगर मेरी जो है वो जस्तजू में निकलो और इन जगहों को एक्सप्लोर करो मेरी बनाई हुई, और हम अल्लाह पाक के ऊपर जो है वो उनकी बनाई हुई चीज़ों की का जहन ले के यहाँ पर आएँ और इन चीज़ों को विज़िट करें, तो अल्लाह पाक मेरा ख्याल है कि हमें कुछ एक नेकियाँ स्पेशली अता कर देंगे इन चीज़ों के लिए। वैसे तो हम हर जगह पर विज़िट करते हैं, और अगर हमारे जहन में थोड़ी सी ये चीज़ हो तो मेरा ख्याल है अल्लाह पाक जो है ना वो हमारे थोड़ी सी नेकियों में भी इजाफा फरमाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये अभी आपको ये पूरी वीडियो दिखाते हैं, एंड देन आई एम श्योर यू विल लाइक इट। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, वेरी नाइस प्लेस। देखें ये एक बड़ा एक नया स्टाइल नया इन्होंने मुझे बना के दिया, ये जिस तरह से यहाँ पे सहारा डेजर्ट के अंदर लेते हैं, जब यहाँ पे सैंड में जाते हैं और वहाँ पे सैंड सारा उड़ती है, तो इस तरह से ये सारा कवर कर देते हैं ग्लासेस के साथ, और साथ इसके सर पे इसका स्टाइल बना देते हैं बरबस, जैसे यहाँ पे जो रहने वाले हैं मोरक्को के वो बरबस के लाते हैं। तो वो जो बरबस जो लोग हैं वो जिस वक्त वहाँ पे जाते हैं और सारा ये अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो लोग इस तरह से अपने आप को जो है वो यहाँ पे कवर करते हैं। तो ये बस इसके अंदर होता है, इसको यहाँ से ऐसे हटा लिया तो आप ये ऐसे नॉर्मली वो इस तरह से वॉक करते हैं। यहाँ पे ये जो टर्बाइन टाइप का है ये इस तरह से इसको ये बांधते हैं, और बांध के तो इसको यहाँ पे इस तरह से सहारा डेजर्ट के अंदर घूमते फिरते हैं, ताकि मिट्टी और धूप और इसकी सारी जो तपिश है उससे बच जाते हैं, विंड से बचते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, तो ये एक यहाँ पे मुझे अच्छी लगी थी, तो हमने कहा यहाँ से ये बाय करते हैं। और फिर इसको उन्होंने कहा कि आप ट्राई कर सकते हैं, हमने ट्राई किया सब ने। और अब ये देखेंगे हमारे सारे जो है वो
टीम जो है, ये सारे जो गैंग्स हैं हमारा, ये सब लोग जो है ये ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। और ये हमारा अदर मॉडल है, यू नो दिस मॉडल, एंड ये देखेंगे इनके पास डिफरेंट इनके पास सेक्शन हैं, 40-50 दिरहम का देते हैं ये, तो आप इनके साथ कुछ भी बारगेन वगैरह सही कर सकते हैं। तो ये फिर आपको मेरा ख्याल है कि ये 30 तक दे ही देंगे, तो यही मैं इसके साथ भी बात करूँगा कि ये कितने पैसे लेता है। तो फिर आपको अभी दिखाते हैं आगे, अभी और भी ज़बरदस्त किस्म की जगह हैं, ये अभी जगह ख़त्म नहीं हुई है, तो भी एक पॉइंट पे हैं, ये आगे तक जाती है, आपको भी वॉक करते हुए आगे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। ओके, ये भी आप हमें बना के दिखा रहे हैं कि ये किस तरह से इसको, ये मैं इधर से आता हूँ, यहाँ से सही नज़र आएगा। ओके, ये देखें ये कैसे ये टर्बाइन ये वाली बनाते हैं, स्पेशल बर्बस जैसे बांधते हैं यहाँ पे। ये देखें ऐसे ये बांधते हैं, एक्सीलेंट। ये देखें कितनी खूबसूरत जगह है, ब्यूटीफुल। ये देखें कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, और इनके दरमियान में यहाँ पे ये चश्मा जा रहा है। कितनी खूबसूरत वैली बनी हुई है, ये देख लें, अल्लाह मियां की कुदरत है। देखिए यहाँ से हम ये स्टेप्स हैं, यहाँ से हम नीचे आए हैं। फिर ये वाली साइड आती है जो एक्चुअल में इसकी अच्छी साइड है ना, वो फिर यहाँ से ये वाली साइड जो है, ये आप जब वीडियो का पहले वाला सेक्शन देखेंगे ना, तो यू विल नो कि ये पहले वाले सेक्शन के अंदर इसकी ज़्यादा अच्छी आ रही है, और इस वाले सेक्शन में ये इतनी अच्छी इसकी वीडियोज़ नहीं आ रही हैं। तो इट्स ओनली बिकॉज यहाँ पर जो लाइट है ना, उसका इफेक्ट ऑब्वियसली इज़ डिफरेंट। तो अब मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ दूसरी वाली तरफ, इसका वो आगे भी एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है, कि इसका पॉइंट है एक छोटा सा जहाँ पे टर्न आता है, वहाँ पे ये बड़ा खूबसूरत लगता है, ये पानी जाता हुआ और पहाड़ जो हैं ये बिल्कुल नैरो हैं सारे, और ये बड़ा खूबसूरत लगता है यहाँ से। तो आपको वो भी आगे की तरफ लेके जा के दिखाते हैं, बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर, अगर आपने बोतल चाय पानी कोई भी चीज़ चाहिए तो वो आप पी सकते हैं। आपको इन्होंने ये देखें यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा सा एक छोटा सा बना दिया कि आपको यहाँ पे ये चेयर्स रख देते हैं, और आप यहाँ पे बैठ के चाय कॉफ़ी जो भी आप पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक, आप वो यहाँ पे पी सकते हैं। और ये मॉन्यूमेंट इन्होंने थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं सेलिंग के लिए, तो दे आर सेलिंग दोस्त थिंग्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय एनीथिंग
तो हम बड़े अच्छे टाइम पे पहले पहले आ गए थे और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे कवर की हैं और लाइट्स बड़ी अच्छी थी यहाँ पे, और लाइट में हमें जो काफ़ी अच्छा जो है ना उस वक्त हमें वो नज़र आ गई थी चीज़ें। अब देखें, अब हम ये देखें एकदम से ये लाइट से, अब हम नीचे आए हैं ना, तो अब नाउ यू कैन सी इट अगेन। लेकिन अभी भी जैसे ये देखें ये सन ऊपर हो रहा है, तो अभी जब ये ऊपर हो जाएगा तो ये भी हमें नज़र आना यहाँ से भी, फिर ओबियसली ये बैकग्राउंड जो इसका है वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं थोड़ा सा दोबारा। बड़ी खूबसूरत जगह है, पानी की आवाज़ आती है, इतने ज़बरदस्त पेबल्स हैं यहाँ पे, सो प्रिटी, बहुत ब्यूटीफुल है। इसके साथ साथ वॉक करते हैं लोग शाम के टाइम, सुबह के टाइम आते हैं यहाँ पे, बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं इन पत्थरों पे, फैमिलीज बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं। ब्यूटीफुल, इट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, बहुत खूबसूरत जगह है। ये देखें बड़ी ज़बरदस्त आगे से इसका जो है वो कर्व है, जहाँ से ये पानी जो है ये थोड़ा सा नीचे गिरता है, और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा जो है ना पॉइंट है बैठने के लिए, वहाँ पे बैठ के भी आप जो है वो अच्छे तरीके के साथ वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ बैठ सकते हैं। इट इज़ ब्यूटीफुल प्लेस। और ये देखें अभी इनके पहाड़ों की जो शेप है ये बड़ी खूबसूरत है, तो इट गिव्स यू रियली अ डिफरेंट फील कि ये जो पहाड़ जिस तरह से यहाँ पे अल्लाह पाक की देखें कुदरत के नेचुरल इनको जिस तरह से ये कटिंग हुई हुई है इनकी, तो ये बड़े खूबसूरत से लगते हैं। देखें जिस वक्त हम आए थे उस वक्त कोई नहीं था यहाँ पे, और अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये कितने ज़्यादा जो है वो ट्रैवलर्स आ गए हैं यहाँ पे, टूरिस्ट आ गए हैं और यहाँ पे वो इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की जगह है। अभी ये तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाती है, बहुत दुनिया आती है यहाँ पे, बड़ा अच्छा ये पॉपुलर डेस्टिनेशन है ये टूरिस्ट के लिए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो दुनिया आती है, एंजॉय करती है यहाँ का। ये देखें अभी बसेज आ रही हैं और ये स्पेशली ये इस पॉइंट के लिए आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इंजॉय करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, मैं इसकी डिटेल जो है इस पॉइंट की सारी यहाँ पे मैं इसके ऊपर मेंशन करूँगा स्क्रीन के ऊपर, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू फाइंड इट आउट, और इसका नेम और किस तरह से इसको आप ले सकते हैं। बहुत खूबसूरत है, दिस इज़ वन ऑफ द अमेजिंग थिंग यू विल एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ सो प्रिटी। Find hundreds and hundreds of people here. This is amazing. This is one of the Allah's creation. And Pakistan. Absolutely. Okay. So यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो सारे अपने foreigners हैं यहाँ पे, different different countries से, पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश, काफ़ी ज़्यादा दुनिया आती है यहाँ पे, उसके अलावा यूरोप से बहुत ज़्यादा दुनिया आती है, इंग्लैंड से, अमेरिका से, मैनी पीपल टूरिस्ट। और यहाँ पर जो ये अरब नहीं होते यहाँ पर, यहाँ पे बर्बर्स हैं ये जो यहाँ पे रहने वाले हैं, वो पहले जो एटलस माउंटेंस हुआ करते थे यहाँ पे, बल्कि अभी भी हैं, नहीं हुआ करते नहीं अभी भी हैं, वो एटलस माउंटेन से बेसिकली यहाँ पर आए, नीचे आए, और उन्होंने ये मोरक्को को यहाँ पे आबाद किया, फिर वो जो मोरक्कन जो यहाँ पे वो उनके साथ जो पुराने दौर में काफ़िले आया करते थे, उन काफ़िलों के साथ वो यहाँ पे वो वहाँ से सॉल्ट लेते थे माउंटेन्स में से, एटलस माउंटेन्स में से, और वो फिर आगे आते थे अतबिन हैदू उसका नाम है जगह का, वो हमने वो कवर किया, आप वो भी वीडियो देखें तो उसके अंदर सारा उन्होंने दिखाया कि किस तरह से वो ज्यूइश और जो हैं ये बर्बस हैं ये वहाँ पे रहा करते थे, और वो जो आधी आबादी है उनकी वो ज्यूइश की थी, आधी आबादी बर्बस की थी, वो सॉल्ट लेके आते थे एटलस माउंटेन्स में से, और वहाँ से सॉल्ट ला के तो फिर यहाँ पे वो जो काफ़िले आया करते थे दूर से, उन्होंने वो जगह बनाई हुई थी वहाँ पे, और वो उन काफ़िलों को वो देखते थे, और उनके साथ फिर वो जब पास आते थे तो उनके साथ फिर बारगेन करते थे वो, और वो फिर एक्सचेंज करते थे, एक्सचेंज ऑफ यू नो थिंग्स विद द डिफरेंट मटेरियल जो भी उस टाइम पे हुआ करता था।